हेलो निशा, संतोष बोल रहे हैं। 1 महीना हमने तुमसे बात नहीं करी तो तुम इतनी बदल गई। तुम मुकेश से बात कर रही हो? अरे मुकेश के बारे में तुम किसी से भी पूछ लो, कितनी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। तुमको उसमें क्या दिख गया ऐसा? चलो दिख गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे बारे में तो सोचा होता। तुम्हारी कसम, जिस दिन हमको पता चला उस दिन तुम्हारे घर आ रहे थे, आए भी थे, तुम्हारे पापा दिख गए नीचे। भी तो हमें पहचान नहीं पाए, हम मास्क लगाए थे, नहीं तो पहचान लेते वे। फिर हमने भी सोची कि रहन दो, मोहल्ले में बेइज्जती होगी, अंकल जी की इज्जत है। लौट आए हम, फिर रास्ता में पुलिस वाले मिल गए। हमने तो कह दी भाई साहब इतना मारना हमको कि हमारी जान निकल जाए, मौत हो जाए हमारी, क्योंकि निशा ने तो हमको जिंदा रहने लायक छोड़ा ही नहीं। निशा क्या बताएं, इतने परेशान हैं हम, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। मम्मी कहती हैं कि घर में बैठे हो तो बर्तन धो लो, धोते भी हैं, मन तो करता है कि बर्तन धोते धोते वही विम की टिकिया खा ले। निशा अब जिंदा नहीं रह सकते हम, लेकिन क्या करें निशा, तुमने किसी लायक भी नहीं छोड़ा। गुड्डू भाई साहब मिले थे, हमने कही भाई साहब आप कुछ भी करके ठेके खुलवा लो। अभी तक हमने पी नहीं है क्योंकि निशा कसम देती थी, लेकिन आज हम पियेंगे, चाहे कोरोना हो जाए चाहे कछु हो जाए, हम तो पियेंगे, घूमेंगे। हम तो बाहर भी घूम रहे हैं, पुलिस वाले मार देते हैं, कोई छींक रहा हो तो मुंह उसके मुंह के सामने खड़े हो जाते हैं कि छींक लो भैया, हमको कोरोना कर दो, क्योंकि हमको जिंदा नहीं रहना है। निशा तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन निशा हम तुमको भूलेंगे नहीं, और तुम भी हमको नहीं भूल पाओगी, पता है हमको, देख लेना, बहुत याद आएंगे। और अभी लॉकडाउन खत्म होने दो, हम तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि ऐसी बातें बैठ के होती हैं निशा, ऐसे हवा में फैसले नहीं लिए जाते जिंदगी के। लेकिन निशा मिलेंगे हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद, दुआ करना हमको कोरोना ना हो जाए, ठीक है निशा, बाय।